हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। ग्रीटिंग्स टू यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में। इन प्रीवियस वीडियो हमने कैसे स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था हैबिटेट क्या होते हैं, मैंने आपको बताया ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट बताए, देन हमने अडैप्टेशंस डिस्कस करी। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, कि क्यों लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट है और कौन से वो एस्पेक्ट हैं जिन पर हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया, राइट। मैंने आपको फिर ब्रॉडर फॉर्म में बताया कि मेजर हमारे पास कितनी वो हैबिटेट्स हैं। तो मेजर हमने ब्रॉडली तीन हैबिटेट देखे थे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट एंड एरियल हैबिटेट। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वन बाय वन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर कौन से हैबिटेट्स आते हैं। ओके, तो हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 9, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग, क्लास 6, एनसीईआरटी। ओके, तो आज हम देखेंगे डेजर्ट हैबिटेट के बारे में। ओके, तो डेजर्ट हैबिटेट कैसा होता है, आपको पता है डेजर्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो एकदम ड्राई होता है थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो वेरी ड्राई, फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है। ओके, वेरी हॉट, हॉट होता है, हॉट कंडीशंस होती है वहाँ पे। हॉटनेस ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि स्केयरसिटी ऑफ वाटर है, रेनफॉल बहुत कम होती है, वेरी लिटिल रेनफॉल। ओके, एंड डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, वेरी लिटिल की जगह पे स्केयरसिटी ऑफ वाटर। स्केयरसिटी का मतलब क्या होता है, कमी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम शॉर्टेज ऑफ वाटर। मैंने बताया यहाँ पे आप शॉर्टेज की जगह पे क्या लिख सकते हो, स्केयरसिटी ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट अब जो वहाँ की सॉइल है वो कैसी होती है, एकदम ड्राई होती है और सैंडी होती है, सैंड सॉइल होती है और एकदम ड्राई होती है, क्योंकि पानी की कमी है तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो ड्राई सॉइल में किसको कंसिडर करते हैं हम, सैंडी सॉइल को। ओके, तो सॉइल कैसी है, सैंडी है और सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इट इज़ वेरी हॉट, जब डे टाइम होता है तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। ओके, पर जैसे ही रात होगी तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, जो सैंड है वो अपनी हीट जल्दी से बाहर निकाल देगा एनवायरनमेंट में, तो सैंड एकदम ठंडा हो जाएगा। जब सैंड एकदम ठंडा हो जाएगा तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हम लैंड पे ही सोते हैं, लैंड पे ही रहते हैं, राइट। तो ये सारी कंडीशंस हैं डेजर्ट की। तो डेजर्ट की इन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप खुद सोचो, अब ये जो मैंने आपको कंडीशंस बताई आप खुद सोच के बताओ, एनालाइज करो वीडियो को पॉज करके, कि कौन सी ऐसी अडैप्टेशन होंगी यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको रहने के लिए। पहली अडैप्टेशन क्या होगी, कि उनकी बॉडी वाटर को रिटेन करे, वाटर का लॉस मिनिमल हो उनकी बॉडी के अंदर से, उनकी बॉडी इस तरीके से बनी हो कि उनकी बॉडी के ऊपर जो पोर्स होते हैं वो बंद हो, ठीक है। जैसे जो प्लांट के ऊपर जो पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, वो बंद हो, वो क्लोज हो, वो बहुत कम हो, या फिर वो एक बहुत थिक लेयर से कवर्ड हो, राइट, दिस टाइप की अडैप्टेशन। तो वाटर की रिटेंशन करें वो और वाटर का लॉस अपने अंदर से बचाएं, ठीक है। तो ये वाली जो अडैप्टेशन है, ये वाली अडैप्टेशन बहुत ज़रूरी है अगर किसी भी एनिमल को और प्लांट को डेजर्ट में सर्वाइव करना है, राइट। अब हम एक एक करके यहाँ पे कुछ जो प्लांट्स हमें प्रोमिनेंटली दिखते हैं या कुछ एनिमल्स जो हमें प्रोमिनेंटली दिखते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले जो सबसे बहुत ही ज़्यादा डेजर्ट में फेमस है, जब भी हमारे दिमाग में डेजर्ट आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला एग्जांपल क्या आता है, कैक्टस का एग्जांपल आता है, राइट। तो कैक्टस बहुत ही प्रोमिनेंटली हमें डेजर्ट में दिखता है, क्योंकि कैक्टस ने एक्चुअली में अपने आप को टोटली 100% अडैप्ट कर लिया है डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए। ओके, तो कैक्टस ने एक्चुअली में अपने आप को कैसे चेंज किया, अगर आप कैक्टस को और बाकी प्लांट से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस दिखेंगे। ओके, वो डिफरेंसेस क्यों हैं, क्योंकि वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है उसके सर्वाइवल के लिए इन दैट डेजर्टी कंडीशन। ओके, सो फर्स्ट थिंग क्या करी उसने, सबसे पहले अपनी लीव्स ही रिड्यूस कर दी, लीव को चेंज करके क्या बना लिया, स्पाइंस बना लिया, स्पाइंस मतलब कांटे, लीव किस में कन्वर्ट हो गई, कांटों में, ताकि वो अपने आप की क्या कर सके, प्रोटेक्शन कर सके फ्रॉम अदर एनिमल्स एंड फ्रॉम अदर एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है, फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स। ओके, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए उसने अपनी लीव्स को किस में रिड्यूस कर दिया, स्पाइंस में रिड्यूस कर दिया, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड थिंग, स्टेम इज थिक एंड फ्लैशी, जो उनकी स्टेम होती है, जो आपने देखा है, देखो कैक्टस ऐसे दिखता है, उसके बारे में बहुत सारे ऐसे ऐसे कांटे दिखते हैं, राइट, ये होता है, तो ये जो पार्ट है मोटा सा, ये थिक होता है, बहुत मोटा होता है, ठीक है, फ्लैशी होता है बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लैश होता है, मोटा होता है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये स्टेम है। ओके, तो ये थिक और फ्लैशी क्यों होती है, ताकि अपने अंदर वाटर को, मॉइस्चर को रिटेन कर सके, ठीक है, सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, जो फ्लैशी स्टेम है वो ग्रीन कलर की होती है, अब ये तो आपको पता ही है, ग्रीन कलर की क्यों होती है, सो दैट कैक्टस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस देयर ओन फूड, राइट। सो इसी वजह से जो स्टेम ने अपने आप को क्या कर लिया, ग्रीन कर लिया, मतलब स्टेम के अंदर क्या है, क्लोरोफिल, स्टेम ने अपने अंदर क्लोरोफिल स्टोर किया, दैट्स व्हाई इट इज ग्रीन इन कलर एंड इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके,
फोर्थ थिंग, स्टेम इज कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिकल्स. तो स्टेम किससे कवर्ड है, उसके ऊपर एक बहुत ही मोटी थिक लेयर है क्यूटिकल्स की, सो दैट अंडर जो स्टोमेटा है, अंदर जो पोर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन हो सके. प्रोटेक्शन होगी तो क्या होगा, वाटर रिड्यूस कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगी. ट्रांसपिरेशन क्या है, इवेपोरेशन. प्लांट्स की इवेपोरेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. तो उसको अवॉइड करने के लिए जो स्टेम है वो किससे कवर होती है, क्यूटिकल से कवर होती है. ओके, नेक्स्ट थिंग, स्टोमेटा आर फ्यू. स्टोमेटा बहुत ही कम होते हैं, ओके, एंड बहुत संकन होते हैं, बहुत डीप होते हैं. इनसाइड डीप क्यों होते हैं, सो दैट ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो, वाटर का लॉस कम हो, ओके, एंड उसको प्रॉपर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल सके. कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन वो रिलीज करेगा एनवायरनमेंट में, और प्लांट भी नॉर्मल रेस्पिरेशन भी करते हैं, तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे वॉन्ट कार्बन फॉर ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो ये सारी अडेप्टेशन जो हमने देखी, किसकी देखी, कैक्टस की देखी. अब आगे हम और फर्दर कुछ और प्लांट्स की अडेप्टेशन डिस्कस करते हैं. अब हम देखते हैं थोड़ी और ब्रॉडर अडेप्टेशंस जो ऑलमोस्ट सभी जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो शो करते हैं. जो एक और अडेप्टेशन है जो बहुत ही प्रोमिनेंट है वो क्या है कि जो सभी डेजर्ट प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स होती है ना वो बहुत ज्यादा बेनिथ होती हैं, बहुत डीप बेनिथ होती हैं इनटू द ग्राउंड, सो दैट वो डीप जाके वाटर को क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, क्योंकि वाटर वहां पर ऑलरेडी बहुत कम है. तो बहुत डीप जाके वो जहां पे भी वाटर अवेलेबल होता है वहां तक वो पहुंच जाती है. ओके, वाटर की तरफ वो अट्रैक्ट होती है एक्चुअली, एंड वहां पे ही ग्रो करती है, फिर वाटर को वहां से सीप आउट कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है. ओके, तो मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट गो डीप इनटू द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर. ओके, नेक्स्ट थिंग, लीफ मे बी एब्सेंट एंड इफ प्रेजेंट आर वेरी स्मॉल. लीफ जैसा भी हमने कैक्टस में डिस्कस किया कि लीफ को ही उसने कन्वर्ट कर लिया स्पाइंस में. ओके, इन द सेम वे जो मोस्टली जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें या तो लीफ एब्सेंट ही होती है, और अगर एब्सेंट नहीं होती है तो बहुत छोटी साइज की होती है. जितनी छोटी साइज की होगी उतने कम स्टोमेटा होंगे, राइट, कम स्टोमेटा होंगे, कम ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन कम करना है, इवेपोरेशन कम से कम करना है, क्योंकि वाटर ऑलरेडी बहुत कम है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते वाटर का लॉस, राइट. नेक्स्ट थिंग, इन सम प्लांट्स स्टोमेटा आर कवर्ड विद स्मॉल फाइन हेयर टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. और कुछ प्लांट्स में जो स्टोमेटाज होते हैं उनके ऊपर फाइन हेयर्स भी होते हैं, वो हेयर क्या करते हैं, उसको क्लोज रहने में थोड़ा हेल्प करते हैं, सो दैट कम से कम वाटर का ट्रांसपिरेशन हो. ओके, सो ये सारी भी कुछ अडेप्टेशन हैं जो अदर प्लांट्स शो करते हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स हैं एक्चुअली, ठीक है, वहां पे सर्वाइव करने के लिए. तो ये सारी जो अडेप्टेशन थी अभी तक हमने किसकी डिस्कस करी, सारी प्लांट्स की डिस्कस करी, राइट. अब हम कुछ एनिमल्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि जिसको हम कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट, किसको कहते हैं, कैमल को. तो अभी हम कैमल को डिस्कस करते हैं, देन डेजर्ट रैट को डिस्कस करेंगे. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कैमल्स के बारे में. सबसे पहले आप मेरे साइड में कैमल की पिक्चर देखो, आपने देखा है कैमल, हमारे पास डेजर्ट है, इंडिया में भी डेजर्ट है, राजस्थान में, जिसको हम क्या बोलते हैं, थार डेजर्ट बोलते हैं. वहां पे अगर आप कभी भी राजस्थान गए हो अपने पेरेंट के साथ, ठीक है, आपने आपने कभी एक्सप्लोर किया है तो आपने वहां पे देखे होंगे, आपने इन पर राइड भी करी होगी मे बी, राइट. तो अब हम देखते हैं इनके अंदर ऐसे क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो इनको हेल्प करते हैं एक्चुअली डेजर्ट में रहने के लिए. ओके, तो फर्स्ट फीचर क्या है, इनके फीट के बारे में. इनके जो फीट होते हैं वो बहुत ज्यादा पैडेड है, ओके, बहुत ज्यादा फ्लफी है, पैडेड है, उनके अंदर बहुत सारे पैड क्या है, मतलब बहुत गुद्देदार फीट है, और बहुत ही बड़े सोल्स हैं, बड़े बड़े फीट है, ताकि वो सैंड में आराम से वॉक कर सके. क्योंकि सैंड आपको पता है बहुत ज्यादा दरदरा होता है, बहुत ज्यादा ऐसे हाथ से फिसलता है, उसके अंदर बिल्कुल भी ऐसे वो बाइंडिंग नहीं होती बिल्कुल भी. तो जब बाइंडिंग नहीं होती तो उसके अंदर चलना बड़ा मुश्किल है. जैसे आपने देखा होगा जो जब नई नई स्नो गिरती है तो उसमें चलना भी बहुत मुश्किल होता है, पर जब वो बहुत देर तक स्टोर हो जाती है, टाइट हो जाती है, तब उसमें आराम से चल पाते हैं, राइट. तो इन द सेम वे सैंड क्या एकदम फ्लोई है, जब वो एकदम फ्लोई है तो उसके अंदर चलने के लिए हमें बड़े बड़े फीट की जरूरत है और पैडेड की जरूरत है. ओके, तो उनके फीट कैसे मॉडिफाइड हो गए, पैडेड हो गए और लार्ज सोल हो गए. ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट. सेकंड क्या है, लॉन्ग लेग्स. उनकी जो बॉडी है ना, बॉडी बहुत ऊपर होती है, लेग्स बहुत नीचे होते हैं, आपने पिक्चर में भी देखा होगा. अभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ताकि उनकी जो बॉडी है जिसमें मेन ऑर्गन्स है, हार्ट है, ब्रेन है, सारे हमारे लंग्स हैं, लीवर है, एवरीथिंग, वो क्या रहे, वो हीट से दूर रहे और वो आराम से नॉर्मल अपनी फंक्शनिंग कर सके. ओके, तो इसीलिए लॉन्ग लेंग्स लेग्स टू कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड. ओके, नेक्स्ट थिंग, हम ऑन इट्स बैक विच स्टोर फैट. इनकी बॉडी पे हम देखा आपने भी पिक्चर में, वो क्या स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है. क्योंकि बहुत टाइम तक ऐसा हो सकता है कि वो बहुत टाइम तक चलते रहे, उनको खाना ना मिले, तो उनकी बॉडी क्या करती है, फैट को स्टोर कर लेती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लाइमेटी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, वो उसको स्लोली स्लोली यूज करती है. ओके, नेक्स्ट थिंग, ड्राई डंक. इनका जो डंक आता है, डंक को हम हिंदी में भी क्या बोलते हैं, गोबर बोलते हैं, ठीक है, जैसे काउ डंक होता है, इन द सेम वे कैमल का भी डंक होता है. तो कैमल का जो डंक होता है वो कैसा होता है, बहुत ड्राई होता है.
ओके एंड इनका जो यूरिन है वो बहुत कम आता है, बहुत लिटिल यूरिन करते हैं ताकि अपने वाटर को कंजर्व कर सके, क्योंकि जितना ज्यादा यूरिन करेंगे उतना ही ज्यादा बॉडी से वाटर का लॉस होगा. ओके तो इनको क्या करना है, वाटर को कंजर्व करना है. दे कांट अफोर्ड टू लूज वाटर. ओके नेक्स्ट थिंग, कैन सर्वाइव वॉट फॉर विदाउट वॉटर. ये वॉटर के बिना सर्वाइव कर सकते हैं फॉर डेज. ओके एंड कैन ड्रिंक 40 to 50 liters ऑफ वॉटर एट वन टाइम. अगर इनको पानी मिलता है ना तो ये 40 to 50 liters पानी एक बारी में पी सकते हैं. ये मैंने आपको फन फैक्ट वीडियो में भी बताया था एक में, कि कैमल्स 40 to 50 liters ऑफ वॉटर एक ही बारी में ड्रिंक कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास वॉटर की बहुत ज्यादा स्कैसिटी है. अब आपको पता चल गया यहां से भी बेटर वे में कि कैमल ने किस तरीके से अपनी बॉडी को अडेप्ट किया है डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए. राइट, अब हम नेक्स्ट एनिमल के बारे में डिस्कस करते हैं. अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है डेजर्ट रैट. ओके डेजर्ट का रैट है वो. ओके एंड उसका अदर नेम क्या है, कैंगरू रैट. बिफोर डिस्कसिंग द पॉइंट्स, आप पहले मेरे साइड में पिक्चर देखो, आपको दिख रहा है ये एकदम कैंगरू नहीं लग रहा? आप ध्यान से देखो, जो इसके आगे के जो पैर है, जो फोर लिम्स कहते हैं जिनको हम, जो फ्रंट लेग्स हैं वो स्मॉल हैं बहुत. ओके एंड जो बैक लेग्स हैं, जो हाइंड लेग्स कहते हैं जिनको, वो क्या है, बहुत बड़े हैं और एकदम कैंगरू की तरह हॉप करता है. इसलिए मैंने इनका नाम क्या रख दिया, कैंगरू रैट रख दिया. राइट तो ये आपने पॉइंट देखा. अब नेक्स्ट आप पॉइंट देखो, मेरे सामने लिखा क्या लिखा हुआ है कि अंडरग्राउंड रहते हैं ये. इनका जो ये मतलब बोरो मतलब होता है ना कि गड्ढा बना के अंडरग्राउंड, उसके अंदर रहते हैं. वहां पे क्या होता है, एक तो टेम्परेचर कम होता है, वहां पे ठंडक होती है, वहां पे थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो वहां पर रहते हैं ये. ओके और ये नॉक्ट्यूरल होते हैं. नॉक्ट्यूरल वर्ड का मीनिंग आपको याद रखना है. देखो ये टर्म आपका इंट्रोड्यूस हो गया है, अब ये हमेशा इंट्रोड्यूस रहेगा. ओके तो जब भी ये वर्ड आएगा मतलब किसकी बात हो रही है, जो रात में एक्टिव एनिमल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉक्ट्यूरल. जैसे अगर आप रात में बहुत ज्यादा एक्टिव फील करते हो और डे टाइम में बहुत लेजी फील करते हो, तो आप क्या हो एक्चुअली में, नॉक्ट्यूरल हो. आपका नेचर कैसा है, नॉक्ट्यूरल है, क्योंकि आप रात में एक्टिव हो. ओके तो जो भी रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं वो नॉक्ट्यूरल है. ये क्यों रात में एक्टिव है, क्योंकि रात में डेजर्ट का टेम्परेचर कोल्ड होता है, तो बहुत ज्यादा इनको आसानी हो जाती है अपना खाना ढूंढने में, अपने जो बरो है उससे बाहर निकलने में. राइट तो इसलिए ये रात को एक्टिव होते हैं, दिन में ही सोते हैं. ओके नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज, मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत बार ये वाली चीज, कि जो इनका यूरिन होता है वो बहुत कंसंट्रेटेड होता है, बहुत गाढ़ा यूरिन होता है. क्योंकि ये गाढ़ा यूरिन क्यों निकालता है, ताकि वाटर को कंजर्व कर सके. और जो इनकी फीसिस है, जो इनका वेस्ट है, वो क्या एकदम ड्राई होता है, ताकि ज्यादा वाटर वेस्ट ना हो. राइट तो ये सारी जो अडेप्टेशन थी किसकी थी, डेजर्ट रैट की थी. ये आपको बहुत ज्यादा नॉर्थ अमेरिका में, ये ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों की जो डेजर्ट्स है वहां पे आपको ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा. इसको हम क्या कहते हैं, डेजर्ट रैट और कैंगरू रैट. तो ये सारी जो मैंने आपको एनिमल्स अभी बताए, मैंने आपको कैक्टस के बारे में बताया, प्लांट्स ने किस टाइप की मॉडिफिकेशन शो करी सो दैट दे कैन अडेप्ट इन द डेजर्ट हैबिटेट. ओके कैमल ने कैसे अपनी बॉडी को अडेप्ट किया, एंड ही इज सक्सेसफुली सर्वाइविंग इन डेजर्ट. उसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं, बिकॉज उसी पे बैठ के हम ट्रेवल कर सकते हैं डेजर्ट्स में. राइट नेक्स्ट थिंग, हमने अभी डेजर्ट रैट के बारे में डिस्कस किया. राइट तो हमने पूरा डेजर्ट हैबिटेट कंप्लीट कर लिया. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.